हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। आज का अपना टॉपिक है डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, डीकम्प्रेशन सिकनेस क्या होती है सारा बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो नोट्स वगैरह चाहिए यार मेरे, अगर पसंद आ रहे हो नोट्स तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है डीकम्प्रेशन सिकनेस की। डीकम्प्रेशन सिकनेस इज द डिसऑर्डर, ठीक है, दैट्स अकर व्हेन पर्सन रिटर्न रैपिडली, ठीक है, रिटर्न्स कैसा, रैपिडली मतलब काफ़ी फास्ट, ठीक है, टू नॉर्मल सराउंडिंग, ठीक है, या फिर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइक डीप सी। ठीक, डीप सी में क्या होता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक, वहाँ से अगर वो वापस आता है नॉर्मल सराउंडिंग में, ठीक है, नॉर्मल सराउंडिंग वापस आएगा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उस टाइम पे जो रैपिडली रिटर्न आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको एक प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है, जिसको अपन बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, इसके और भी नाम है यार, ठीक है, डीकम्प्रेशन सिकनेस की अनेक नाम है, तो आपसे अनेक नाम पे एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपके सारे नाम थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। ठीक है, पहला क्या होता है, डिसबेरिज, ठीक है, दूसरा क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर सिकनेस, थर्ड होता है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना यहाँ पे, कैसन्स डिसीज़। ठीक है, कैसन्स डिसीज़ को आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पर भी कभी कभी इस नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और लास्ट होता है कौन सा, डाइवर्स पेलेसी, ठीक है, या फिर पेल्सी, ठीक है, डाइवर्स पेल्सी। अब देखते हैं अपन इसकी कॉज, ठीक है, डीकम्प्रेशन सिकनेस का मेन कॉज क्या होता है। ठीक है, पहले आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है, एट द डीप सी लीड्स टू कंप्रेस ऑफ गैसेस, या फिर कंप्रेशन ऑफ गैसेस एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिए बेटा हमेशा, कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हैं अपन गैसेस का, जैसे ही गैसेस पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि अपने जो गैस सिलेंडर्स होते हैं बेटा, तो गैस सिलेंडर्स में क्या होता है कि जो गैस होती है एलपीजी, ठीक है, उसको क्या करते हैं अपन, कंप्रेस करके गैस सिलेंडर में भरते हैं, तो जैसे ही वहाँ पे तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ पे गैस रहती है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में, ठीक है, कंप्रेस होके। ठीक है, तो वो अपने क्या हो रही है, वहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है गैस का, गैस सिलेंडर में भर रहे हैं तो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर उस गैस को मैं पूरे एक बंद कमरे में निकालूँ, तो एक 3 लीटर का सिलेंडर भी पूरे कमरे को भर सकता है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट हाई प्रेशर पर क्या होता है, अपना गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अपना मेनली किस वजह से होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस, नाइट्रोजन गैस की वजह से, तो नाइट्रोजन गैस पढ़ेंगे अपन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। ठीक है, 80% कंसंट्रेशन रहता है इसका एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नॉट यूटिलाइज और नॉट एक्सपायर्ड बाय द बॉडी, अपनी बॉडी ना तो नाइट्रोजन का यूज़ करती मेनली, ठीक है, और ना उसको एक्सपायर करती रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, और ये गैस नाइट्रोजन गैस से बेटा ये होती है फैट सॉल्युबल। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने को अभी काम आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, व्हेन पर्सन डिसेंड्स इनटू द डीप सी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, या फिर सी लेवल। ठीक है, अगर सी लेवल से अगर पर्सन कोई भी नीचे डिसेंड करता है, ठीक है, सी के अंदर जाता है, तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे ही नीचे अंदर जाता जाएगा डेप्थ में, ठीक है, वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, इसकी वजह से जो नाइट्रोजन गैस थी बेटा वो क्या कर जाएगी, कंप्रेस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का क्या होगा, कंप्रेशन। ठीक, जब कंप्रेशन होगा तो क्या करेगी, नाइट्रोजन गैस जो अपनी ब्लड में थी, ठीक है, ब्लड में है, तो वो क्या करेगी, ब्लड वेसल से एस्केप कर जाएगी, कहाँ पे, ऑर्गन्स में। ठीक है, ऑर्गन्स में अगर वो गैस पहुँच गई, ठीक है, मेनली किस ऑर्गन में, कॉमन ऑर्गन होता है इसके लिए ब्रेन टिश्यू। ठीक है, ब्रेन टिश्यू में पहुँच गई, ठीक है, जो अपनी नॉर्मल नाइट्रोजन गैस थी वो एस्केप करी ब्लड वेसल से और पहुँच गई कहाँ, ऑर्गन्स में, मेनली कहाँ, ब्रेन टिश्यू में। अब वहाँ पे जाके क्या करेगी, वहाँ पे जाके जो अपनी नाइट्रोजन गैस थी वो ऑर्गन्स में जाके डिसॉल्व कर जाती है। ठीक है, किस में डिसॉल्व करेगी, जो फैट होता है, आपने पता है नाइट्रोजन गैस फैट सॉल्यूबल है, तो फैट में डिसॉल्व हो जाती है इजीली। ठीक है, और वहाँ पे स्टोर होकर रह जाती है ऑर्गन्स में। ठीक है, फैट के साथ। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि नो कॉम्प्लिकेशंस अकर एज लॉन्ग एज द पर्सन रिमेंस इन द डीप सी। अगर वो डीप सी में है तो क्या होगा, वहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस थी वो अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगी, मतलब कि डिसॉल्व रहेगी फैट के साथ, तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी नॉर्मली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पर्सन असेंड करता है, कैसा, रैपिडली, रैपिडली याद रखना बेटा आपको, जब रैपिडली असेंड करता है या फिर रिटर्न आता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसकी वजह से अपने को देखने को मिलता है डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, क्यों होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस देखते हैं, क्योंकि जो कंप्रेस नाइट्रोजन गैस थी,
ठीक है, जो फैट में सॉल्यूबल थी, ठीक है, तो वो कंप्रेस गैस हो गई। तो कंप्रेस नाइट्रोजन गैस थी जो कि फैट में सॉल्यूबल थी, ठीक है, फैट के साथ सॉल्यूबल होकर सॉल्यूशन बना लिया उसने। अब क्या होगा, वो गैस स्टार्ट हो जाएगी डिकम्प्रेशन उसका, ठीक है। जैसे आप ऊपर आओगे सी लेवल, मतलब सी से जो आप डीप सी में थे उससे ऊपर आओगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर के लिए या फिर सी लेवल के लिए, तो क्या होगा, आपका प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो वो गैस फिर से डिकम्प्रेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिकम्प्रेशन मतलब कि फिर से उसका कंप्रेशन था ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। जब वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, इस वजह से क्या, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस के ना बबल्स बनने लगते हैं। जब नाइट्रोजन गैस के बबल बनेंगे तो क्या होगा, वो बबल रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं ब्लड फ्लो को, ठीक है, ब्लड फ्लो को वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स और डक्ट्स में, ठीक है। ऐसे मान के चलो कि आप ऐसे एज अपना क्या सी की डीप्थ है, ठीक है, और ये अपना नॉर्मल सी लेवल है। आप जैसे ही रैपिडली ऊपर जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे अपनी कंप्रेस नाइट्रोजन गैस थी, ठीक है, वो जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो वो अपनी फैट से बाहर निकलेगी और फॉर्म करेगी ऐसे बबल्स, ठीक है। अब वो बबल्स क्या करेंगे, ऐसे मान चलिए ब्लड वेसल्स है, और अगर इसके अंदर अपना एक बबल आ गया तो बबल क्या करेगा, जो ब्लड फ्लो होना चाहिए था उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे जो यहाँ पे अपना बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ब्लड रेस्ट्रिक्शन कर रहा था, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म, ठीक है, मतलब एयर के थ्रू अपना हिंड्रेंस हो रहा है ब्लड फ्लो का, ठीक है, और इसकी वजह से अपने को फाइनली डी एस हो जाता है, ठीक है, डी एस मतलब डिकम्प्रेशन सिकनेस, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कॉज, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट और बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। अंडरग्राउंड टनल वर्कर्स, ठीक है, आपको पता होगा बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा क्या होता है कि जो माइनिंग वगैरह होती है, तो माइनिंग के लिए क्या नीचे टनल्स खोदे जाते हैं, ठीक है, तो टनल्स में जो वर्कर्स होते हैं काम करते हैं, वो यूज़ करते हैं किसका, केजन्स का, ठीक है। केजन्स क्या होते हैं, अपने प्रेशराइज चैम्बर होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जब नीचे जाओगे तो आपको वहाँ पे प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उस प्रेशर की प्रॉब्लम को बचाने के लिए क्या वो यूज़ करते हैं केजन्स का, ठीक है, जो कि अपने प्रेशराइज चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी अपना क्या डेवलप हो सकता है डिकम्प्रेशन सिकनेस, ठीक, नॉर्मली तो उसने प्रिवेंट करने का काम, ठीक है, केजन्स का, ठीक है, लेकिन उसके होते हुए भी अपन बोल सकते हैं, उसके होते हुए भी अपने को डिकम्प्रेशन सिकनेस हो सकती है, ठीक, तो इसलिए उसको अपन बोलते हैं केजन्स डिसीज, ठीक है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, तो जो अपना डी एस का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डिकम्प्रेशन सिकनेस ऑल्सो अगर इन पर्सन विच असेंड अप रैपिडली, ठीक है, मतलब कि ये उन पर्सन में भी हो सकता है जो रैपिडली अपना असेंड कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से, सी लेवल से हवा में, ठीक है, ऊपर, ठीक है, ऐसे मान के चलो कोई एरोप्लेन है, ठीक है, या फिर एयरप्लेन है, तो क्या सी लेवल पे अपन जनरली ग्राउंड पे रहते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड से क्या वो ऊपर फ्लाई करता है, मतलब असेंड कर रहा है, ठीक है, जल्दी असेंड करता है, ठीक है, तो जल्दी असेंड करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से वहाँ पे भी अपने को डिकम्प्रेशन सिकनेस हो सकती है जो एरोप्लेन में जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए अपन प्रिकॉशंस का यूज़ करते हैं, इस वजह से उनको डिकम्प्रेशन सिकनेस नहीं हो पाती है, ठीक है, उनको बचाने के लिए क्या स्पेसिफिक एपरेटस का यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मास्क, या फिर अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो एरोप्लेन रहता है उसको पूरा क्लोज रखा जाता है, जिसकी वजह से साइड का प्रेशर उस पर कोई भी इफेक्ट ना दिखा पाए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे, ठीक है, सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में पहला क्या दिखता है अपने को, ठीक है, डिकम्प्रेशन सिकनेस का पहला सिम्टम क्या है, सीवियर पेन इन टिश्यूज, मेनली कहाँ होता है, जॉइंट्स में होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन बबल का फॉर्मेशन हो जाता है कहाँ पे, माइलिन शीट होती है अपनी सेंसरी नर्व फाइबर्स की, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इस वजह से अपने को सीवियर पेन देखने को मिलता है। सेंसरी नर्व फाइबर्स मतलब क्या, सेंस ले जाएंगे तो पेन का सेंस ले जाते हैं, तो अगर उनमें कोई भी माइलिनेशन में अगर नाइट्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक, तो इस वजह से अपने को पेन देखने को मिलता है, ठीक है। सेंसेशंस ऑफ नंबनेस, ठीक है, टाइटलिंग एंड और बोल सकने का प्रिकिंग, ठीक है, और ईचिंग, ये सारे अपने सेंसेशन आ सकते हैं। थर्ड देखने क्या, टेम्परेरी पैरालिसिस, टेम्परेरी पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता था माइलिन शीट में, माइलिन शीट कौन से, यहाँ पे मोटर नर्व फाइबर्स, मोटर्स का मतलब क्या होगा बेटा, मोटर्स अपने सिग्नल लेके आते थे हायर सेंटर से, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के लिए, अगर वो सिग्नल्स में हिंड्रेंस आ जाएगा तो क्या अपने वर्क नहीं कर पाएंगे बॉडी पार्ट्स, तो अपने को पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, ठीक। फोर्थ, मसल्स क्रैम्प्स एसोसिएट विद सीवियर पेन, ठीक है। फिफ्थ क्या होगा, ऑकल्जन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, फ्लो बाय दी कोरोनरी इस्चीमिया, ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि अगर जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है उसमें अगर कोई सा भी ऑकल्जन आता है, ठीक है, फिर उसके बाद अपने को कोरोनरी इस्चीमिया भी देखने को मिल सकता है, मतलब फॉलोड बाय कोरोनरी इस्चीमिया, ठीक है। सिक्स्थ,
डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यू एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन में जो अपनी नॉर्मल सप्लाई हो रही थी ब्लड की, ठीक है, अगर वो ब्लड की नॉर्मल सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या ब्रेन टिश्यू डैमेज कर जाएंगे, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या डैमेज कर जाएगी। सेवन्थ क्या, पैरालिसिस ऑफ मसल्स देखने को मिलती है, शॉर्टनेट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग की क्या छोटी ब्रीथ हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी सांस लोगे, ठीक है। फिर क्या होगा, एट्थ फटीग हो सकती है उसके बाद, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस और फाइनली क्या डेथ, ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया, आगे देखते हैं अपन, ठीक है, प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप प्रिवेंशन देखिए, काफ़ी इजी है, ठीक है। असेंट शुड बी वेरी स्लो विथ शॉर्ट स्टे एट रेगुलर इंटरवल्स। इसका मतलब क्या होगा, जब आप असेंड करोगे डीप सी से या फिर हाई प्रेशर से, ठीक है, सी लेवल के लिए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, उस टाइम पे आपको बिल्कुल स्लो स्लो आना है। तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर कम होगा, धीरे धीरे प्रेशर कम होगा तो वो गैस बिल्कुल धीरे धीरे निकलेगी और बबल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या, पहले आप 5 फीट तक या 10 फीट तक आए, फिर रुक गए थोड़ी देर, फिर 10 फीट गए, फिर थोड़ा रुक गए। तो रुकने की वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी कंपनसेट कर लेती है उस चीज़ को, ठीक है, अडॉप्ट हो जाती है और अपन इस चीज़ से बच जाते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज असेंट्स अलाउड नाइट्रोजन बैक टू ब्लड विदाउट फॉर्मिंग बबल्स, सिंपल। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है, ट्रीट कैसे किया जाता है, ठीक है। पहला क्या कर सकते हैं अपन, रिकम्प्रेशन शुड बी डन इन रिकम्प्रेशन चैम्बर, ठीक है, एंड स्लोली रिड्यूस प्रेशर अप टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर आपने एक व्यक्ति को पहुंचा दिया, ठीक है, जिसको ये सिकनेस हुई डिकम्प्रेशन। फिर क्या करोगे, आप फिर से उसको रिकम्प्रेशन करोगे, ठीक है, रिकम्प्रेशन मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे चैम्बर के अंदर। तो क्या होगी, जो नाइट्रोजन गैस हुई वो फिर से जाके क्या होगी, अपना फिर से जाके वो फैट में सॉल्यूबल हो जाएगी। जब वो फैट में फिर से जाके सॉल्यूबल हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको धीरे धीरे प्रेशर रिड्यूस करोगे, ठीक है। धीरे धीरे प्रेशर रिड्यूस करने की वजह से क्या होगा कि जो अपनी नाइट्रोजन गैस फैट में सॉल्यूबल थी वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी, स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। जब वो स्लोली स्लोली बाहर निकलेगी तो नाइट्रोजन बबल्स के फॉर्मेशन नहीं होगे और डीकम्प्रेशन सिकनेस से बचाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाता है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में भी यूजफुल, ठीक है, ये थेरेपी भी अपन दे सकते हैं उसको, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इससे भी क्या वो बच सकता है डीकम्प्रेशन सिकनेस से। तो यही था अपना सारा का सारा है डीकम्प्रेशन सिकनेस, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, स्क्यूबा, ठीक है, इसके लिए अपन क्या पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है, पेज, ठीक है, स्क्यूबा के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, आपने कहीं भी देखा होगा SCUBA, ठीक है, स्क्यूबा डाइवर्स सुने होंगे। तो स्क्यूबा क्या होता है बेटा, स्क्यूबा एक एपरेटस होता है, ठीक है, सेल्फ कंटेनिंग, ठीक है, अंडर वाटर, ठीक है, ब्रीथिंग एपरेटस, इसका फुल फॉर्म है। अब क्या होता है इसके में, क्या क्या होता है, जो स्क्यूबा होता है एक पूरा का पूरा एपरेटस होता है जिसमें एक मास्क होता है, ठीक है, यहाँ पे से क्या कनेक्ट करते हैं इसको अपन एक सिलेंडर से, ठीक है, और इस जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पाइप, तो इसमें क्या होती है बेल्व, ठीक है, कुछ ऐसी बेल्व होती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस इससे लगाएंगे अपन क्या माउथ, ठीक है, माउथ पे लगा लेते हैं इसको। माउथ पे लगाने की वजह से क्या होता है, जब आप सांस लोगे बेटा तो क्या होगी, ये बेल्व रहती हैं वो खुल जाती हैं तो ऑक्सीजन बाहर आ जा, मतलब कि मास्क के अंदर आ जाती है, ठीक है, तो अपन इसको ले सकते हैं। जैसे अपन CO2 बाहर निकालते हैं तो क्या होती है, ये बेल्व क्लोज हो जाती हैं और उस सिलेंडर में CO2 नहीं जा पाती है, ठीक है, तो वो CO2 कहाँ जाएगी, वो CO2 बाहर निकल जाएगी, बबल्स बना देगी बॉटर में हो गए तो, ठीक है। अब इसकी फ़ायदे क्या हैं और घाटे क्या हैं, ठीक है, इसका पहला फ़ायदा क्या है कि ये काफ़ी लाइट हो जाता, लाइफ लाइट रहता है, ठीक है, अपन इसको लेकर जा सकते हैं, कम से कम अगर डीप सी में जा रहे हैं तो कम से कम अपन 150 फीट तक जा सकते हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसको अपन ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते, इसका कुछ टाइम लिमिट रहती है, उसी टाइम लिमिट तक अपन इसको यूज़ कर सकते हैं जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। सेकेंड क्या है, अगर आप 150 फीट से नीचे जाते हो डीप सी में तो अपने को डीकम्प्रेशन सिकनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने क्या स्क्यूबा, ठीक है, तो बस इतना ही था यार, इतना ही पढ़ाना था आज मेरे को आपको, ठीक है, इतना आप अच्छे से पढ़ लेना, जाके नोट्स देख लेना एक बार, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।